बंधु भक्त जय बाबा पशुपतिनाथ, जय बाबा भोलेनाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बंधु देखिए श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में भक्त जन आ रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए, और उसी के साथ साथ यहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी हो रहा है। देखिए आज यहां पर वृक्षारोपण कर रहे हैं हमारे युवा, आइए दिखाते आपको। और गुरुदेव का है सानिध्य, जय बाबा भोलेनाथ। ये देखिए गुरुदेव के सानिध्य, ये देखिए वृक्ष लगाया जा रहा है यहाँ पे, और गुरुदेव स्वयं यहाँ पर मौजूद। और ये देखिए स्कूली बच्चे हैं और उन्हीं के साथ साथ में इनके ये टीचर्स हैं, और ये जो है प्रेरणा, बिल्कुल प्रेरणा बच्चों को। बहुत सुंदर आयोजन देखिए, और हरियाली हरियाली इस परिसर में आप देख पा रहे हैं सारी। देखिए ये हरियाली इसी वजह से है कि यहाँ पर आते हैं जो भी भक्तजन आते हैं वो वृक्ष लगाने का कोशिश करते हैं और उसमें सफलता भी होती है। लेकिन हम हमेशा की तरह आज भी कह रहे हैं वृक्ष लगाना ही सब कुछ नहीं है, वृक्ष का पालन करना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ का जो युवा मंडल है उसको सौंप रखा हमने ये काम, भक्तजन आकर के वृक्ष लगाते हैं और उसके बाद में वो उसकी देखभाल करते हैं। बोले बाबा पशुपतिनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ जय बाबा। और जैसे देखिए बताया गया है, गुरुजी बताइए, आप बताइए। ये बील का पेड़ है, ये पुष्कर से स्पेशली मंगाया गया है और ये मंदिर में हर साल ट्राई करते हैं। इस बार ये बाबा जी कृपा से और ये जरूर लगेगा, वरना हमने 3-4 पेड़ लगाए, बील का पेड़ लगा नहीं, और ये पक्का लगेगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए बिल्कुल ये वृक्ष लगा चुके हैं, बहुत ही शानदार वृक्ष। और बील का पत्र तो वैसे भी काम आता है बाबा के दरबार में। जय बाबा पशुनाथ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी हाँ बंधु भक्तों, से देखा आपने यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम। जी बंधु देखिए हरियाली तभी रह पाएगी जब हम सजग होंगे, सचेत होंगे, और हमारा पर्यावरण शुद्ध करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। आज ये मंगलमय दिवस, आज शनिवार का दिवस, और बाबा पशुपतिनाथ मंदिर माजवाज पर आज बील का पत्र, यहाँ पर बील का पेड़ लगाया गया। मैं आपका पूर्णमल पारिक जवान भाई, जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा पशुपतिनाथ।